अब ये हमारा हो गया है रेडी। इसके बाद ये है दो, ये है ना, ये दो भाग इसके बीच में लगाने का है, ये दो जेब अलग हो जाए उसके लिए। इसे हम लगाएंगे यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे अब सिल देने का है। ये यहाँ पे हमने अब स्टिच हो गया है, अब इसे ये दूसरा पार्ट से उसको भी यहाँ दबा देने का है। यहाँ पे हम सिलाई एक लगा देंगे। अब ये हमने यहाँ पे लगा दिया है ये ऐसे सिलाई। अब हमें इसको ये सीधा काट लेना है, एक्स्ट्रा है जो। ये ऐसे हो जाएगा। अब इसके अंदर रनर डालने का है, इसके लिए दो रनर चाहिए। अब इसको यहां से खोल के ये एक हो गया, ये दूसरा भी उसी तरह से हम डाल देंगे। ये हो गया है, दोनों रनर हमने यहाँ पे ऐसे डाल दिए हैं। अब एक छोटा सा ये से पट्टी काट लेंगे हम। अब इसको ऐसे फोल्ड कर देने का है ऐसे। ये पट्टी हमने ऐसे फोल्ड कर दिया है, ये अपने हिसाब से आप काट सकते हैं, थोड़ा लंबा या आपको शॉर्ट जैसे भी चाहिए। ये हम इसको ऐसे हैंडल बनाने के लिए डालेंगे इसको। अब ये पट्टी को ऐसे रख के इसको ऐसे फोल्ड करने का है, ये चेन है वहां से ऐसे मोड़ने का है। ये ऐसे हो गया है। फिर इसको यहां से ऐसे सिल देने का है। ये अब हमने यहाँ से अब सिल दिया है पूरा। अब इसको जो एक्स्ट्रा है कापड़, ये इसको काट देने का है। इसके ऊपर दो टाइम सिलाई लगाने का, जैसे ये मजबूत हो जाए। फिर इसको, ये रनर है, इसको यहाँ से हम खोलेंगे, ये निकल जाएगा। इसको फिर उल्टा करने का है ऐसे। ये हमारा पर्स हो गया रेडी। आप अपने अंदाज से इसको जो नाप चाहे वो रख सकते हैं, छोटा या बड़ा कर सकते हैं। थैंक यू।